हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फाजान रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं रिएक्शन देने वाला हूँ कोक स्टूडियो के एक बिहाइंड द सीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता होता है कोक स्टूडियो के जब भी कोई एपिसोड आता है तो उससे पहले बिहाइंड सीन्स आते हैं, फिर एपिसोड आता है। सो इसी तरह मैं भी पहले बिहाइंड द सीन्स के ऊपर रिएक्शन देता हूँ, फिर सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देता हूँ। अगर मुझे वो सॉन्ग बिहाइंड द सीन में अच्छा लगता है तो फिर मैं रिएक्शन देता हूँ। सो मुझे एक सॉन्ग आज अच्छा लगा है जो बिहाइंड द सीन साहिर अली बग्गा एंड आईमा बेग। पिछले 3 सीजनों से मैं यही देख रहा हूँ कि आयमा बेग एंड साहिर अली बग्गा जो है सिराइकी का या पंजाबी का एक ऐसा सॉन्ग लेके आते हैं जो बहुत ही वायरल होता है और सुपर होता है, मतलब वो सीजन का बेस्ट सॉन्ग माना जाता है। सो हम रिएक्शन देने वाले हैं डोला के BTS के ऊपर और मुझे लगता है कि ये सॉन्ग भी अच्छा जाएगा। सो इसके ऊपर रिएक्शन देते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले की गुजारिश होता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऊपर आई कार्ड में मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक है तो उसका सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। Behind the scene tour. पहला गाना मैंने एक ऐसी बात थी जो मुझे लड़ गई थी तो मैंने गाना कंपोज कर दिया उस पर, और वो गाना हिट भी बहुत हुआ था उस दौर में। जो सिंगर थे जिसके साथ मैं गाना अरेंज कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक शायरी दी, उन्होंने मुझे कहा कि ये वर्ड्स हैं, कंपोज कर सकते हैं इसको। मैंने कहा यार मैंने कभी कंपोज किया नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको तो ये काम है तो आप कंपोज नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते। तो मैं चुप हो गया कुछ देर के लिए, कुछ पॉज आया मेरे में, क्या बात कर रहा है मेरे साथ वो। उसके बाद मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दे भाई ट्राई करता हूँ मैं भी। कुछ कॉम्पोजिशंस होती हैं जो आप कहते हो कि यार ओके आई एम गोना हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर दिस, और ये उनमें से गाना एक है ढोला। एंड देन अभी जब मैं थोड़ी देर पहले अभी जैम करके आई हूँ द हाउस बैंड, इट साउंडेड सो अमेजिंग, इट वाज 1000 times बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, एंड इट साउंडेड सो ह्यूज एंड मैसिव, like a grand sound tha wo pura. Matlab sun jao ne wala oye teri ja ja vocal karte hain maan se ढोला के जो लिरिक्स हैं, कितना मैं तेनु बहु प्यार है, बहु का मतलब बहुत, ये एक सराकी का वर्ड। तो असल बेसिकली ढोला भी जो गाना है इसको हम सराकी भी कह सकते हैं, पंजाबी भी कह सकते हैं। आईमा वाले पार्ट भी है इसमें भी, वो यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे मैंने इसने बोला हुआ है कि मैं ते प्यार निभांदा मैं ते बग्गा हां पंजाब दा। अब ये बग्गा है पंजाब दे, पहले मेरे दिमाग में गबरू पंजाब दा, ये पंजाब के गबरू बोलते हैं यहाँ, मैं ते शेर पंजाब दा, इस तरह की बातें होती हैं। तो मैंने कहा यार क्यों ना बग्गा ही डाल दो, बग्गा वैसे ही पंजाबी वर्ड है, बड़ा हेवी किस्म का। बग्गा का जो मतलब है असल में कहते हैं सफ़ेद बालों वाला शेर, उसको कहते हैं बग्गा शेर। तो मेरी दादी मुझे कहती थी बचपन में, मैं पता नहीं मैं गोरा था ज़्यादा ही था कुछ उस टाइम पे, तो फिर मैंने कहा गाने में भी डाल ही देते हैं आज। Hello. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਢੋਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਢੋਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਐਮ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਏ,
जो सुनने वाला जो वो फिर स्टोरी में गुम हो जाता है कि ये स्टोरी चल रही है, इसने ये बोला आप लड़की क्या बोलेगी, लड़की ने ये बोला लड़का क्या बोलेगा। हमने जो अपना स्टाइल बनाया हुआ ना लिरिकली वो ये रखा हुआ कि हम स्टोरी पे सवाल जवाब या स्टोरी पे चल रहे होते हैं। यार आपको पता भी होगी मैं कोक स्टूडियो के हर एपिसोड के बिहाइंड द सीन एंड सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देते, तो ये भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने चलो मैं रिएक्शन देता हूँ। तीन सालों से यही नोट कर रहा हूँ, तीन सालों से मैं यही देख रहा तब आ रहा हूँ कि साहिर अली बग्गा और आई एम बेग जो है दोनों कभी ये सराइकी और पंजाबी सॉन्ग लेके आते जो बहुत ही वायरल होते हैं, बहुत ही पॉपुलर होता है। सो ये भी इसी तरह एक धोला सॉन्ग है जो सराइकी और पंजाबी मिक्स है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बेसिकली जब साहिर अली बग्गा को आप किसी पाकिस्तानी म्यूजिक में सुनेंगे, पाकिस्तानी सॉन्ग में सुनेंगे तो आपका दिल फ्रेश हो जाता है, उसमें आता है, ओएसटीज में आता है। पाकिस्तानी ड्रामों के जो सॉन्ग्स होते हैं ओएसटीज होते हैं उसमें ज़्यादातर साहिर अली बग्गा आते हैं। फिल्मों में भी आजकल आ रहा है बट फिल्मों के सॉन्ग में आ रहा है, बट ये थोड़ा सा कोक स्टूडियो में जवाब दे तो कोक स्टूडियो में थोड़ा सा ये चेंज लेके आता है, मतलब अपने सॉन्ग थोड़ा सा अपना कंपोज करते हैं तो हर बंदे को यही उसकी इच्छा होती थी कि यार मैं अपने सॉन्ग को थोड़ा सा डिफरेंट करूँ, थोड़ा सा अच्छा करूँ, तो ये भी सीधा है। बट BTS अच्छा था सॉन्ग, लग रहा है कि सॉन्ग अच्छा होगा इंशाल्लाह। कल परसों वीडियो जब भी आएगी सो हम इसके ऊपर रिएक्शन देंगे एंड बहुत ही अमेजिंग बनाए, लिरिक्स काफ़ी अच्छे लिखे हैं। साहिर अली बग्गा को आई थिंक यार मैं बचपन से ही सुनता पा रहा हूँ, जब बचपन से ही समझ लो बचपन की हुई और आतिफ हो गया। सो कोक स्टूडियो के बेसिकली कोक स्टूडियो तो है ही बहुत पुराना, आई थिंक 2006-7 में क्रिएट हुआ है। बहुत अमेजिंग सॉन्ग लेके आते हैं। पिछले एपिसोड में मैं काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के ऊपर मैं रिएक्शन दे चुका हूँ, उससे पहले एपिसोड्स के ऊपर रिएक्शन दे चुका हूँ एंड सीजन टू सीजन चलता रहता है। अगर आप इसी सॉन्ग का रिएक्शन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे पता चले कि यार लोग देख रहे हैं उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है पंजाबी के जो कल परसों दो तीन दिन बाद आएगा एंड ये पंजाबी सराइकी का है। साहिर अली बग्गा बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स लेके आते हैं, मैंने बहुत ही टाइम उससे देखा है एंड कोक स्टूडियो में जब भी वो आते हैं तो आई एम बेग के साथ उनका एक ही सॉन्ग होता है। ये कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री अच्छी बनती है कि सॉन्ग्स गाने में बहुत अच्छा लगता है। सो वो साहिर अली बग्गा आईमा बेग के साथ लेके आता है तो पिछले सीजन में बहुत अच्छे सॉन्ग देखे हैं, सीजन में भी ये एक अच्छा सॉन्ग हो सकता है जब सॉन्ग आएगा। सो अभी BTS से तो यही लग रहा है, बिहार से तो यही लग रहा है कि अच्छा सॉन्ग है, तो जब सॉन्ग आएगा उसी से पता चलेगा कि सॉन्ग अच्छा है नहीं अच्छा। तो तब तक वेट करते हैं, वेट के लिए दो दिन तीन दिन का टाइम है तो देखते हैं कि क्या होता है। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बड़े वक्त मिल सके। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।